टकरा जाएगा, टकरा कर देगा फिर वो ट्रेन। पाकिस्तान है ये। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, जैसे इसके पहले मैंने स्कूल देखा बागी का, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस नाले में क्यों स्कूल बना दिया गया। बाद में ये पता लगा कि बहुत पतला सा था नाले के इधर ये स्कूल था, और बादल के फटने के नाते ऊपर से जो मलबे आए और पानी आया, इसके नाते ये स्थिति हुई। आज जो यहाँ की स्थिति हुई है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से गांव के लोगों का हित देखना चाहिए। सबसे आवश्यक तो ये है कि अगर यही स्थिति रही तो ये भी नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में एक बार मैं यहाँ से चलने के बाद मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करूँगा, और बात कर करके उनसे ये कहूँगा कि इसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार करें, IIT मंडी से भी इसकी सहायता लें, और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उससे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करें, और बात करने के बाद फिर यहाँ के गांव के लोगों की हर स्थिति में सुरक्षा होनी चाहिए, जितना भी अधिक से अधिक इनकी मदद की जाए ये आवश्यक है।